तो बस यहीं पे जो है ना मैंने बेटी का लंच रेडी कर दिया है, आलू मटर की सब्जी साथ में चीला, और फ्रूट में उसको रखा है मैंने अनार, पहले छील के रख लिया था क्योंकि बहुत टाइम लगता है अनार छीलने में, तो मैंने पहले इसको छील के रख दिया था मॉर्निंग में। तो बस अभी स्कूल चली जाएगी और आप इससे मिल लीजिए। जल्दी खा लो, चलो फिनिश करो। कैसा बना है? अच्छा बना है। चलो जल्दी फिनिश करो, चलो। तो ये जा रही है स्कूल, जल्दी बाय जाओ। तो आज मैंने जो है ना बेटी को बनाया लंच में चीला, और यहाँ पर मैं सेक रही हूँ सबके लिए आया। और आलू मटर की सब्जी बनाई मैंने, एकदम यमी। और बेटू अभी सो रही है, ये देखिए छोटी, मैंने अंधेरा किया हुआ है। और अभी बारिश का मौसम है, तो बस यहीं पे जो है ना मैं बना लूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ बाद में, क्योंकि मॉर्निंग में मिलना नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है ना इस वजह से। तो चलिए फिर आपसे मैं बाद में मिलती हूँ। तो हस्बैंड जो है ना लेकर आए थे कुछ सामान, तो थोड़ा सा मतलब ग्रोसरी का है, तो ये मैं ओपन करूँगी जब आपको अभी दिखाऊँगी। और ये कुछ सब्जी वगैरह लेकर आए हैं, ब्रेड का पैकेट है, और आलू प्याज लेकर आए थे जो कि मैंने जो है ना बास्केट में रख दिए हैं ऑलरेडी, क्योंकि फिर उनसे जो है ना कूड़ा हो जाता है प्याज से, तो मैंने झाड़ू लगाने से पहले उनको रख दिया था, थोड़ी सी देर उनको रखा रहने दिया, उसके बाद जो है उसको बास्केट में अरेंज कर दिया। तो अभी सब्जी वगैरह मैं धुल के रखूँगी और इनको भी जो है ना इनकी जगह पर रखूँगी। तो बस यहीं पे जो है ना मैं सारी सब्जी को धुल के रख दिया है। केला लेकर आए हैं, फूल गोभी है, और मिर्ची है, टिंडे हैं, टमाटर है, हरा धनिया है, शिमला मिर्च है, और खीरा लेकर आए थे हस्बैंड, तो मैंने सबको जो है ना धुल करके रख दिया। और ये कुछ घर का सामान लेकर आए थे, तो मैंने सौंफ मंगाई थी, किशमिश थी, मूँगफली की गिरी थी, और बादाम, मैगी का पैकेट था, खाना सोडा का पैकेट था क्योंकि ये ख़त्म हो रखे थे तो चाहिए थे मुझे, और एक माचिस का पैकेट लेकर आए हस्बैंड। तो ये मूंगफली की गिरी, किशमिश बिल्कुल ख़त्म थे, बादाम तो थे, ये भे के रखने होते हैं डेली मुझे, तो इसलिए लेकर आए हैं। तो बस यहीं पे दोपहर का टाइम हो गया था तो मैंने खिचड़ी बना ली, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ अभी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे बिल्कुल और स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो अभी जो है ना दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैं नहा धो के फ्री हो चुकी थी, सारे काम मेरे हो चुके थे, लेकिन मैं आपसे नहीं बात कर पाई क्योंकि मुझे नहाने के बाद आज कपड़े धोने पड़े, कपड़े मैंने नहाने के बाद ही धोए हैं, और फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी को सुलाया, छोटी को, और अब जाके आपसे बातें कर रही हूँ। फिर बीच में मैंने इसको सुलाने से पहले मैंने खिचड़ी बनाई, उसको छौंका, मतलब अब मैं आटा लगाऊंगी, रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जो है लंच भी लेकर जाएंगे, तो पापा जी भी खाएंगे, उन्होंने नहीं खाई है। तो बस मैंने सोचा चलिए आपसे बातें कर लेती हूँ, और कान मैंने खाली किए हुए हैं, ये ऊपर वाले बस पहने हुए हैं, नीचे के नहीं पहने हुए हैं, मैंने उतार के रखे हुए हैं, क्योंकि क्या होता है ना जब वो सोने के पहनते हो ना तो वो कान थोड़े ऐसे लटक जाते हैं, तो ये मैंने इसलिए उतार के रखे हुए हैं, मैंने कहा थोड़े दिन में जो है ना सही हो जाएंगे तो मैं फिर से पहन लूँगी। दो तीन दिनों से और कपड़े सुखाए, फिर वापस से मुझे उतारने पड़े क्योंकि ना बारिश आने लगी थी थोड़ी बहुत, तो वापस से लेकर आई मैं कपड़ों को ऐसा। और ये फ़ोटो आप देख रहे हैं ना, तो जब हम अक्षरधाम गए थे ना तो ये हमने फ़ोटो कराई थी, तो फ्रेम भी लगवा लिया था वहीं पे, तो फ्रेम करा के ही हमने ये फ़ोटो कराई थी, क्योंकि खाली फ़ोटो भी उतने रुपए की हो रही थी, और मतलब फ्रेमिंग करा के फ़ोटो थोड़े से ज़्यादा पैसे लग रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा नहीं थे, तो हमने जो है ना फ़ोटो को फ्रेम ही करा लिया वहीं पर। तो ऐसे तो एक ग्रुप का कराया था मेरे भाई भाभी के साथ, और एक हम चारों का था। तो कैसा लग रहा है बताना ज़रूर, और हालत एकदम से डाउन हो गई थी ना घूम के, इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा मंदिर था इसलिए, तो मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए रख दिया है ये,
और बाद में मैं इसे कहीं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि बेटी का बहुत डर रहता है, वो उठा के चल देती है, और कांच का है ना तो टूटने का डर रहता है मुझे। देखिए ये सो गई है, सुबह भी मैंने इसको सुलाया सोते हुए आपसे मिलाया था, और अब भी ये सो रही है, तब भी मैं इसको सोते हुए दिखा रही हूँ आपको। तो इस जगह सोते हुए बच्चे कितने क्यूट लगते हैं ना। तो बस अभी जो है ना बेटी आने वाली है स्कूल से, उसका आने का भी टाइम हो गया है, 2 बजे ही वो आ जाती है। तो उसके बाबा जो है ना लेने गए हैं, छोड़ने भी जाते हैं लेने भी जाते हैं, क्योंकि बैग बहुत भारी हो जाता है ना, इसलिए अभी छोटी है तो चले ही जाते हैं। गुड आफ्टरनून, वापस क्यों जाती है? देखिए इसका क्या हाल हो जाता है स्कूल से आने के बाद। तो गाइज मैंने ये मंगाई थी ना, ये गिरी, तो ये मूंगफली की गिरी है कच्ची वाली, और ये बादाम और ये किशमिश। तो मैं बेकर रखती हूँ ये गिरी और किशमिश, और बादाम तो जो खाते ही हैं। तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए और ससुर जी के लिए बेकर रखती हूँ, तो वो दोनों ही लेते हैं, तो बोलते हैं कि ये मतलब खाते हैं ना गिरी, बेकर किशमिश और मूंगफली की गिरी। तो मैं कहीं भी अगर दर्द है तो उसमें सब में फ़ायदा होता है इससे, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर घुटनों में पैरों में ज़्यादा दर्द होता है, उसके लिए अच्छा उपाय है। तो मैं काफ़ी दिनों से बेके रखती हूँ, तो आज ये ख़त्म हो गई तो ले आए थे हस्बैंड, तो बस मैं इनको जो है ना इनके डब्बे में रखने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखा देते हैं, क्योंकि खाली हो रखा है डब्बा, किशमिश का डब्बा है, ठीक है। तो गिरी का डब्बा और किशमिश का डब्बा जो है खाली था, बादाम अभी थे लेकिन हस्बैंड जो है ले आए कि क्योंकि थोड़े दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे, तो बोले कि ख़त्म होने से पहले मैं ले आता हूँ, क्योंकि फिर बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। तो बस मैं यहीं जो है इनको इनमें डाल कर रख दूँगी। तो बस मैंने गिरी रख ली है और किशमिश रख ली है, किशमिश थोड़ी लेकर आए हैं, गिरी काफ़ी ज़्यादा लेकर आए हैं, कोई नहीं किशमिश और ले आएंगे, क्योंकि इनका ख़राब होने का भी डर रहता है ना, और काफ़ी ज़्यादा मूंगफली इसमें ख़राब भी आ जाती है देखिए। और बादाम मैं पहले इनको ही ख़त्म करूँगी, उसके बाद जो है वो वाले बादाम इसमें डालूँगी। तो बस यहीं पर जो मैं बंद करके इनको रख देती हूँ, और ये कंटेनर जो है ना यहीं से लेकर आए थे मार्केट में से, आपको काफ़ी जगह जो है ना ये 99 वाली शॉप लगी हुई है हर जगह ही, अधिकतर तो वहीं से ही लेकर आए थे, तो ये 99 के ही 4 डब्बे लेकर आए थे हस्बैंड, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये 4 लेकर आए थे, ये काजू ये बादाम। तो ये काजू के पैकेट पर मैंने काट के जो है ना इस पे लगाया हुआ है ताकि पहचान हो जाए, क्योंकि इसमें अंदर जो है ना ऐसे कागज़ लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं ये डब्बे देखिए। तो बस यहीं पर जो है मैं इनको रख दूँगी, और बादाम पे मैंने इस ऐसे लगाया हुआ है देखिए। तो ये मैं सामने ही रख ली ताकि अगर चाहिए हो मतलब मेरे पीछे से भी किसी को चाहिए तो आसानी से जो है ना मिल सके, और ये डेली का काम है तो याद नहीं रहता है, अगर दिखते रहते हैं सामने तो मैं अच्छे से जो है इनको देखकर भेज देती हूँ। ये देखिए कितने सुंदर है ना, आप भी बताना कि कैसे लगे। पहले इसको ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद ही इसमें डालकर रखूँगी, और ये सौंफ भी थोड़ी सी बची हुई थी तो पहले मैं उसी को ख़त्म करूँगी, वही होता है ना कि पहले की जो चीज़ें होती हैं पहले हम उनको ही ख़त्म कर लें, तो फिर बार बार जो है दुकान पे जाते हैं, उससे अच्छा है कि मैंने मंगा ही लिया। तो बस यही सब था। तो ये कुछ बेबी का सामान लेकर आए हैं, क्योंकि इसका पाउडर भी ख़त्म हो रखा था, तो वो बड़ा वाला डब्बा ही लेकर आते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन छुट्टी होती है मतलब फिर बार बार नहीं मंगाना पड़ता। और एक नारियल तेल लेकर आए हैं, ये मैंने छोटा ही मंगाया है मन से, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी पड़ती है। और ये बेबी की क्रीम लेकर आए हैं, वॉलिनी लेकर आए हैं, और ये मेरी बड़ी बेटी का साबुन लेकर आए हैं, ये छोटी बेटी का पूरे कर आ जाते हैं, तो मैंने एक जो है इनमें से निकाल लिया है, चार आते हैं इसमें, हिमालय का छोटी वाली जो है इसी से नहाती है। और यहीं पर ये हाजमोला की गोलियां लेकर आए हैं,
और एक विक्स वेपोरब जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अभी इसको मंगा लिया है। मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो भाप लगाती हूँ ना तो मैं बड़ी बेटी को, उसको काफ़ी गले में दर्द हो जाता है, तो मैं इसको ही डाल देती हूँ पानी में, गर्म पानी करके बिल्कुल, और फिर जो उसको भाप लगाती हूँ तो उसको आराम मिल जाता है। तो बस यही सब था। आई होप आपको मेरा ब्लॉग जो है पसंद आया होगा आज का, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।